गुड मॉर्निंग क्लास फाइव हेयर आई एम टू टीच यू साइंस एंड द टॉपिक फॉर टुडे इन साइंस इज डिफिशियंसी ऑफ मिनरल्स। हम लोगों को पढ़ना है कि हमारे शरीर में मिनरल्स का अभाव हो जाएगा तो कौन कौन सी बीमारियां उत्पन्न हो सकती है। तो सबसे पहला मिनरल है आयोडीन। इससे कौन सी बीमारी हो सकती है, तो गोइटर हो सकता है। गोइटर बोलते हैं घेगा रोग में उसको। उसमें क्या होता है, ये देखिए, जो गला होता है वो सूज जाता है। तो इसका स्रोत क्या है भोजन का, जिसको हम खाएंगे तो ये नहीं होगा, इससे हम लोग बचे रह सकते हैं। तो आयोडाइज साल्ट जो है उसको खाएंगे हम लोग, और सी फूड जो है उसको खाएंगे तो नहीं होगा। आयरन जो है, आयरन के कमी से एनीमिया होता है, यानी कि खून की कमी होती है। तो इसकी पूर्ति के लिए हम लोग क्या करना चाहिए, हरी सब्जियाँ खाना चाहिए, बीन्स खाना चाहिए, बैंगन खाना चाहिए, जैगरी खाना चाहिए, लीवर खाना चाहिए और फिश खाना चाहिए। अब बता रहा है कैल्शियम की कमी से क्या होता है, तो इससे हम लोगों को पता है कैल्शियम से बोन्स और टीथ जो है उसका फॉर्मेशन होता है। तो उसके अभाव में बोन्स और टीथ जो होगा वो कमज़ोर हो जाएगा, ठीक है। तो कैल्शियम के लिए हमें क्या क्या चीज़ लेना चाहिए, तो डेयरी प्रोडक्ट्स, जितने दूध से संबंधित चीज़ें हैं उनको खानी चाहिए, नट्स खाना चाहिए, सीड्स खाना चाहिए, यानी ड्राई फ्रूट्स वगैरह। अब यहाँ पे पढ़ना है अनहेल्दी लाइफस्टाइल, कह रहा है मेनी नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस लाइक हार्ट डिजीज, अबनॉर्मल ब्लड प्रेशर, लंग कैंसर, डायबिटीज एक्सेट्रा आर कॉज्ड बिकॉज ऑफ द अनहेल्दी हैबिट्स लाइक स्मोकिंग, ड्रिंकिंग अल्कोहल, अनहेल्दी डाइट्स, फिजिकल इनएक्टिविटी एंड इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। बता रहा है कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो है वो एक दूसरे से नहीं फैलता है, तो ये होता कैसे है? तो बता रहा है कि अनहेल्दी लाइफ स्टाइल जो जब इंसान अख्तियार कर लेता है तब होता है, जैसे स्मोकिंग हो गया, सिगरेट की आदत लग गई, या फिर अल्कोहल शराब पीने की आदत हो गई, या अनहेल्दी डाइट खा रहे हैं, जंक फूड वगैरह खा रहे हैं, फिजिकल इनएक्टिविटी, एक्सरसाइज वगैरह नहीं कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अनहेल्दी लाइफस्टाइल जी रहे हैं, और पॉल्यूशन की वजह से भी इस तरह की बीमारियां उत्पन्न हो सकती हैं। ब्लड प्रेशर हो गया, लंग्स की डिजीजेज हो गए, कैंसर हो गया, डायबिटीज, मधुमेह हो गया, ठीक है। ओवर ईटिंग एंड फ्रीक्वेंट ईटिंग ऑफ फैटी और ऑयली फूड कैन लीड टू एक्यूमुलेशन ऑफ एक्स्ट्रा फैट इन द बॉडी एंड कॉज ओवरवेट कंडीशन। बता रहा है कि अगर ज़रूरत से ज़्यादा हम लोग खाते हैं या फिर तला गला चीज़ खाते हैं तो हमारे शरीर में एक्स्ट्रा फैट जमा हो जाता है, जिससे क्या होता है, ओवरवेट का कंडीशन हो जाता है, यानी ओबेसिटी हो जाता है, यानी कि मोटापा आ जाता है। और मोटापा जो है अपने साथ बहुत सारी बीमारियों को लाता है, हार्ट का प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम। इन मेनी केसेस द इंक्रीज ऑफ वेट इज सो हाई दैट इट कॉजेज हेल्थ प्रॉब्लम। अभी जो मैंने आपको बताया है वही यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है। दिस कंडीशन इज नोन एज ओबेसिटी। जब ओवर ईटिंग हो जाती है, जरूर ज्यादा खा लेते हैं या फिर तला गला खाते हैं, तो उसे क्या होता है, ओबेसिटी, यानी मोटापा हो जाता है। पीपल हु आर ओबेस में सफर फ्रॉम हार्ट प्रॉब्लम, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स, डायबिटीज, सर्टेन टाइप्स ऑफ कैंसर एंड ज्वाइंट पेंट्स। कह रहा है कि ये जो ओबेसिटी है, मोटापा है, वो बहुत सारी बीमारियों को लेके आता है। तो कौन कौन सी बीमारियां हैं, तो हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम, सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाएगा, डायबिटीज हो सकता है, कैंसर की भी संभावना है। और जो ज्वाइंट है, जो जोड़ है शरीर में, जो जोड़ों का दर्द भी उत्पन्न हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक बॉक्स है, नॉट ओनली स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, एवरी इनहेलिंग द स्मोक रिलीज बाय स्मोकर इज इक्वली बैड। बता रहा है कि सिर्फ सिगरेट पीना ही इंजूरियस नहीं है, खतरनाक नहीं है, हार्मफुल नहीं, बल्कि किसी भी तरह का धुआं अगर हमारे शरीर के अंदर जाता है वो भी बिल्कुल बराबर के बर्बादी का हिस्सेदार है। सो यू मस्ट अवॉइड अपीयर नियर पर्सन हु इज स्मोकिंग। इसीलिए जो इंसान अगर सिगरेट पी रहा है तो उससे भी हमें दूरी बनानी चाहिए। सो स्टूडेंट्स, दैट्स इट फॉर टुडे। टुमारो आई विल बी बैक टू टीच यू रेस्ट ऑफ द टॉपिक। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, दैट्स ऑल, थैंक यू।